भोजपुरी सुपरस्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव का लारी वाला स्टेज शो लगातार अपनी चर्चाएं बनाए हुआ है। भले ही स्टेज शो हुए काफी दिन गुजर गए हों, लेकिन जैसे जैसे ही इस स्टेज शो को लेकर वीडियोस अपडेट हो रहे हैं, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब एक नया खुलासा ये हुआ है कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के दौरान खेसारी लाल यादव ने सैड सॉन्ग गाया। सैड सॉन्ग सिर्फ खेसारी लाल यादव गा रहे थे, इसलिए अक्षरा सिंह जाकर वहां बैठ गईं। बैठी तो उनका मुंह कुछ उतरा हुआ था। बदले में खेसारी लाल यादव ने जब देखा कि अक्षरा सिंह का मुंह लटका हुआ है, तो गाना बीच में रोककर अक्षरा सिंह से ये पूछ बैठे कि भाई आप इतनी उदास क्यों हैं? आप इतनी खूबसूरत हैं, ना आपको खेसारी लाल यादव ने बनाया है, ना आपको पवन सिंह ने बनाया है और ना ही दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, और इतनी भरी जनता के बीच में बैठकर आप इतनी उदास क्यों हैं? जैसे ही पवन सिंह का नाम आया, वैसे ही अक्षरा सिंह ने सीधे ऊपर की तरफ उंगली की, यानी कि उन्हें बनाया ईश्वर ने है, और फिर जनता की तरफ उंगली की कि उन्हें बनाया जनता ने है। इसका मतलब साफ था कि ईश्वर और जनता के अलावा उनके जीवन में किसी और का योगदान नहीं है उन्हें बनाने में। ये बात तो सब जानते हैं अक्षरा सिंह जी कि आपको बनाने में या किसी भी इंसान को फेमस बनाने में ईश्वर और उसके फैंस का हाथ सबसे बड़ा होता है। लोग तो बीच की कड़ी भर होते हैं, लेकिन ये बात और है कि इस बात को कोई इतने बड़े स्टेज शो पर बयां नहीं करता। हाँ, उसके बाद अक्षरा सिंह ने अपने दुखी होने का कारण ये बताया, लगातार खेसारी लाल यादव स्टेज पे सैड सॉन्ग गा रहे थे, जिसके वजह से वो दुखी हो गई थी। क्योंकि खेसारी लाल यादव जब भी सैड सॉन्ग गाते हैं तो लोग समझते हैं कि वो अक्षरा सिंह की याद में सैड सॉन्ग गा रहे हैं। ये बात ताज्जुब करने वाली इसलिए है कि खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह जहां भी होते हैं, पवन सिंह का जिक्र अपने आप वहां हो ही जाता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।